JiO DTH Broadband जाने रजिस्ट्रेशन और सभी प्लान। Reliance JiO मोबाइल की दुनिया में धमाल मचाने के बाद अब DTH की दुनिया में भी धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। Reliance JiO की DTH सर्विसेज जल्द ही लॉन्च हो सकती है। Reliance JiO के मालिक मुकेश अंबानी इसी JiO के होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ ही लॉन्च कर सकते हैं। हाल ही में एक वेबसाइट ने दावा किया था कि Reliance JiO के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिसके साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले ही Reliance JiO के सेट टॉप बॉक्स और छत पर लगी डिश की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद JiO के सेट टॉप बॉक्स की कुछ और फोटो भी सामने आई, जिसमें JiO के सेट टॉप बॉक्स और रिमोट समेत कई जानकारी थी। फोटो देखने से लग रहा था कि JiO के सेट टॉप बॉक्स की फोटो सर्विस को टेस्ट करने के दौरान की है। वहीं इसमें एक अहम जानकारी भी सामने आई कि JiO के सेट टॉप बॉक्स में एक इथरनेट का पोर्ट भी दिया गया है। JiO DTH भी अन्य DTH की तरह डायरेक्ट टू होम सर्विस है। ये आमतौर पर एक डिजिटल सैटेलाइट सर्विस है, जिसकी सहायता से टीवी के लिए विभिन्न चैनल प्राप्त होते हैं। इसके सिग्नल डिजिटल होते हैं, जो DTH एंटीना सीधा सैटेलाइट से प्राप्त करता है। डिजिटल सिग्नल होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी और साउंड दोनों ही बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं। JiO इस सर्विस को बहुत कम पैसों में लोगों के लिए विभिन्न प्लान के जरिए मार्केट में ला रहा है। क्षेत्र के अनुसार JiO को 4 भागों में बांटा गया है, जो है JiO DTH साउथ इंडियन प्लान, दूसरा प्लान है JiO DTH नॉर्थ इंडियन प्लान, तीसरा प्लान है JiO DTH ईस्ट इंडिया प्लान और फोर्थ प्लान है JiO DTH वेस्ट इंडियन प्लान। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि JiO अपने होम ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ ही JiO की DTH सर्विस को लॉन्च कर सकता है। JiO की होम ब्रॉडबैंड सर्विस दिवाली पर लॉन्च होने की उम्मीद है। इथरनेट पोर्ट के माध्यम से सेट टॉप बॉक्स पर इंटरनेट चलाने के लिए किसी मॉडेम या राउटर से इसे कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ऐसा अंदाजा है कि Reliance JiO के होम ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ ही DTH सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें चैनल को रिवाइंड करने के साथ साथ वीडियो ऑन डिमांड का फीचर भी होने की उम्मीद है। ऐसे ही सर्विस मार्केट में पहले भी मौजूद कई DTH सर्विस प्रोवाइडर दे रहे थे। एयरटेल डिजिटल, टाटा स्काई, DTH सर्विसेज वीडियो ऑन डिमांड और टीवी पर चल रहे लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की भी सुविधा दे रहे थे। एयरटेल ने भी डोंगल आधारित सर्विस पेश की थी। इसमें यूजर आउट ऑफ ऑर्डर प्रोग्राम को इंटरनेट की मदद से देख सकते थे। इस डोंगल को एयरटेल डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स में लगाकर अपने लोकल इंटरनेट से कनेक्ट करके आप इस प्रोग्राम को देख सकते थे। जैसे Reliance JiO ने शुरुआत में अपने ग्राहकों को मुफ्त में सभी सुविधाएं यानी कॉलिंग, डेटा, रोमिंग, मैसेजेस दिए थे, उसी तरह DTH की भी सुविधा शुरुआत में मुफ्त रखी जा सकती है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज।